हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोनीटेल हेयर स्टाइल। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। इस हेयर स्टाइल के लिए हम फ्रंट से रेडियल पार्टिंग करेंगे एंड बैक से डी सेक्शन निकाल के सेपरेट करेंगे, और पीछे से एक पोनी बनाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से सेक्शन बाय सेक्शन हम बैक कॉम्बिंग करेंगे रूट पे एंड स्प्रे करते जाएंगे जो हमने डी सेक्शन लिया था उसके अंदर। सेक्शन बाय सेक्शन बैक कॉम्बिंग, रूट बैक कॉम एंड स्प्रे एंड प्रेस। फ्रंट से भी छोटा सा एक सेक्शन लेंगे, फिर उसको बैक कॉम्बिंग करेंगे एंड स्प्रे देन प्रेस। बैक कॉम्बिंग किए हुए सेक्शन को अब हम सेपरेट करेंगे विद हेल्प ऑफ यू पिंस। अब हम इसमें लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। लाइंस बनाने के लिए आप टेक्सचर कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसमें स्लांटिंग लाइन बनाएंगे वन बाय वन। लाइंस के बीच का गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स। वन बाय वन लाइन उठाएंगे और उसको स्प्रे करते जाएंगे। आप इसमें पहले ड्राई लाइंस भी उठा सकते हैं, देन बाद में स्प्रे कर सकते हैं। लाइंस बहुत पतली पतली उठाएंगे फ्रेंड्स। हर लाइन पे स्प्रे, और उसको स्टे करने के लिए हम यू पिन का भी यूज़ करेंगे ताकि हमारी लाइंस इधर से उधर ना जाएं। अदर साइड से भी हम सेम पैटर्न से लाइन बनाएंगे पुलिंग टेक्निक से। तो हमारी लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस सेक्शन को हम बॉब पिन से लॉक करेंगे। फ्रेंड्स, हम पिन्स क्रिस क्रॉस करके लगाएंगे ताकि जो हमारा ये सेक्शन है वो एकदम लॉक हो जाए। तो हमने सेक्शन को पहले सेक्शन क्लिप से सेपरेट किया, देन बॉब पिन से लॉक किया। अब हम फ्रंट पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। क्लाइंट का अब चेक करना है कि कौन सा साइड पे हमारा जो प्ले होगा वो किस साइड जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे कि ये साइड सही है या नहीं। देन हम इसमें डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन निकालेंगे। इसको छोटा छोटा बैक कॉम्बिंग करेंगे, ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें बाउंस नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पीछे वाली स्टाइलिंग भी दिखानी है और आगे वाली स्टाइलिंग भी दिखानी है। तो ज़्यादा बैक कॉम्बिंग ना करके हम छोटा छोटा बैक कॉम्बिंग करेंगे ओनली रूट्स पे। बैक कॉम्बिंग करके उस पर स्प्रे करेंगे एंड प्रेस करेंगे ताकि बैक कॉम्बिंग खुले ना।
जो डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लिया था, अब इसमें हम लाइंस बनाएंगे फ्रेंड्स। इसमें थोड़ी सी हम डीपर लाइंस बनाएंगे, डीपर लाइन थोड़ी सी शार्प भी दिखती है और अच्छी भी लगती है फ्रंट पे। अब इस सेक्शन को सेपरेट करके पुलिंग टेक्निक से हम लाइंस बनाएंगे। हमने इसमें ड्राई लाइंस बनाई हैं और टेक्सचर कॉम से इसको फ्रिजी हेयर को बिठाएंगे। जितने भी हमारे फ्रिजी हेयर हैं वो टेक्सचर कॉम से बैठ जाएंगे। और जो हमने लाइंस बनाई हैं उसको फिक्स करने के लिए हम होल्ड स्प्रे यूज़ करेंगे और यू पिंस का भी यूज़ करेंगे इसमें, ताकि जो हमारी लाइन है वो मिक्सअप ना हो और सेपरेट रहें। इसमें हमने टाफ्ट का हेयर स्प्रे यूज़ किया है फ्रेंड्स। आप इसमें होल्ड स्प्रे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नोवा, गैट्सबी, जो भी आपको अच्छा लगता हो। अब इस सेक्शन को हम बॉब पिन से लॉक कर देंगे एंड अब नीचे से सेक्शन लेंगे, वो भी डायगोनल बैकवर्ड ही सेक्शन होगा हमारा। देन हम इसमें शाइन स्प्रे करेंगे। शाइन स्प्रे करने के बाद हम इसमें स्प्रेडिंग टेक्निक से इस हेयर को स्प्रेड करेंगे एंड पुलिंग टेक्निक से स्प्रेडिंग के ऊपर ही हम लाइंस बनाएंगे और उस लाइन को स्ट्रे करने के लिए हम ऊपर से यू पिंस टक करेंगे। यू पिंस लगाने के बाद इसमें हॉल्ड स्प्रे यूज़ करेंगे एंड इसको पीछे की तरफ बॉब पिन से लॉक कर देंगे। अब लाइन की विजिबिलिटी के लिए आप इसको और शार्प कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन लेंगे, वो भी डायगोनल बैकवर्ड होगा हमारा एंड उस सेक्शन को हम शाइन स्प्रे करके स्प्रेडिंग टेक्निक से स्प्रेड करेंगे और इसमें भी हम लाइंस बनाएंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले वाली लेयर पे लाइन बनाई थी। साथ साथ होल्ड स्प्रे भी करेंगे एंड इसको पीछे की तरफ लॉक कर देंगे। और जो फ्रंट का रेस्ट ऑफ पार्ट होगा उसको ट्विस्ट करके पीछे की तरफ टक कर देंगे विद हेल्प ऑफ बॉबी पिन एंड हम अदर साइड पे आ चुके हैं। इसमें भी डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन निकालेंगे, रूट बैक कॉमिंग करेंगे स्प्रे देन प्रेस। सेकंड सेक्शन का भी यही करेंगे। शाइन स्प्रे करके इसमें हल्का सा पीछे की तरफ टर्न करके इसमें भी लाइनिंग वर्क करेंगे। अब हम लाइन को फिक्स कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ स्प्रे, होल्ड स्प्रे। अब हम बैक साइड पे हेयर को होल्ड करके उसमें हम लाइन वर्क करेंगे एंड उसको स्प्रे करेंगे फिक्स करने के लिए। जब हमारा ये फिक्स हो जाएगा फिर इसमें हम नीचे एक और पोनी बनाएंगे, जैसे हमारा टाइटल है पोनी हेयर स्टाइल। अब हम नीचे वाले पार्ट को भी होल्ड करेंगे एंड उसमें भी एक रबड़ बैंड लगाएंगे और इसमें पुलिंग टेक्निक से लाइन शो करेंगे एंड लाइन को फिक्स करेंगे विद हेल्प ऑफ होल्ड स्प्रे। नीचे भी एक पोनी बना के उसमें भी हम लाइन वर्क करेंगे। जहाँ तक जितने भी लंबे बाल हैं उस हिसाब से हम नीचे पोनी बनाते जाएंगे
ये हमारा लास्ट पोनी था। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे विद एसेसरीज। जो भी हमारा रबड़ बैंड वाला पार्ट था वहाँ पे हम एसेसरीज से डेकोरेट करेंगे। सो हमारा हेयर स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको हमारा हेयर स्टाइल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।